गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में हमेशा व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अभी 2-3 दिन हो गए आपको ना कोई वीडियो नहीं आ पा रही है, और उसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो फ़ोन है ये ख़राब हो चुका है। ख़राब इन द सेंस, ख़राब क्या हुआ है कि आपको बता दूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे वीडियो बनाने में बहुत इशू हो रहा है। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये दूसरा फ़ोन है जिसमें कैमरा इतना खास अच्छा नहीं है, पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये देखो ना, इसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने वीडियो पावर बैंक के थ्रू इसको कर लिया, लेकिन इसमें ये देखो ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। और जब मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो, ये खुल तो इतना तो खुल रहा है, अब आगे देखो क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। इससे वीडियो बनाता था, थोड़ा सही कैमरा था इसका, वीडियो बन जाती थी इससे अच्छी, पर अब देखो ना इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको ना थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, तो ये वार्निंग दे रहा है कि इसको इमिडिएट कह रहा है इमिडिएट इस चार्जर को इससे डिस्कनेक्ट कर दो। तो ये कर दिया डिस्कनेक्ट। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशूज हो रहे हैं, और 3-4 दिन से यही इशू हो रहा है। एक्चुअली यहाँ इसको इधर साइड दिखाना भी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल फ़ोन नॉर्मली सिर्फ चार्ज नहीं हो रहा है। हो सकता है यहाँ कोई नॉर्मल उसके पास रिपेयर के पास जाके दिखाने पे पता चले कि और भी तोते उड़ा दिए फ़ोन के, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सोच रहा हूँ कि इसको 2-4 दिन रुक के और सैटरडे संडे का प्लान करके देहरादून जाता हूँ, और फिर वहाँ इसको कोशिश करता हूँ कि वहाँ सर्विस सेंटर में जाके कुछ बन पाए। बाकी देखते हैं, ऊपर वाले की जैसी कृपा रहेगी तो बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते हैं क्या हो सकता है। फ़िलहाल इसकी वजह से ना आप लोगों को ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ मैं आप लोगों, और इसमें कुछ बहुत सारी ब्लॉग मैंने जो बना रखे थे वो भी मैं अभी आप सब लोगों के लिए एडिट भी नहीं कर पाऊँगा, और एडिट भी इससे ही करता था तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। जब आपका एक ऐसा फ़ोन चल जाए जिसमें आप सारा काम कर सकते हो, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है। 2-4 दिन मोबाइल और सिम भी जो मेरा बंद पड़ा हुआ है 2-4 दिन से, तो उसमें जो कॉल वॉल भी आ रही होगी वो भी नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा ना बहुत दिक्कत हो रही है अभी। खैर, थोड़ा जल्दी होगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हमारे सारे मित्र हैं, हमें देखने वाले मित्र हैं, दिक्कतें हो बढ़ेंगी है ना, तो हम अपने दोस्तों से दूर रहेंगे तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो चलिए, कोशिश करूँगा कि जल्दी आप लोगों के लिए कुछ और अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ, कुछ अच्छी बातें लेके आ सकूँ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारे चैनल की जो वीडियोस है अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।